दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वर्ल्ड में योनो SBI ऐप पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका भी SBI बैंक में अकाउंट है और दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल में योनो SBI का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, योनो SBI पर आप जो है लॉगिन करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में आपको जो है कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिससे कि दोस्तों बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पर योनो SBI का रजिस्ट्रेशन आप जो है कर पाओगे। और दोस्तों योनो SBI का जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप घर बैठे अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर पाओगे, जहाँ पर गाइस आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर पाओगे, बैंक का स्टेटमेंट देख पाओगे, इसके अलावा किसी को पैसे ट्रांसफर कर पाओगे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको जो है योनो SBI ऐप पर देखने को मिल जाती है। तो गाइज अगर आप भी जानना चाहते हो कि योनो SBI पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज अगर आपने अपने मोबाइल में योनो SBI ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो प्ले स्टोर में जाकर के सिंपली योनो SBI इस वाली ऐप को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देखते हो इस एप्लीकेशन की 100 मिलियन प्लस डाउनलोडिंग कंप्लीट है, 4.1 का स्टार है। तो यहाँ पर SBI की इस योनो SBI ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकती हो। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको जो है योनो SBI एप्लीकेशन को ओपन करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर और न्यू टू SBI का यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है। तो गाइज अगर आपका जो है SBI बैंक में ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है उस सिम कार्ड को चूज करना है जो भी नंबर आपका बैंक अकाउंट में लिंक है। तो यहाँ पर आपको उस सिम कार्ड को चूज कर लेना है, इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है। यहाँ पर आपका जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा तो आपको कुछ टाइम यहाँ पर वेट करना है। सो गाइज यहाँ पर आप देखते हो मेरा जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज अगर आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग आपने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, बना करके रखा है, तो यहाँ पर गाइज आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज आपको जो अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर आपको टाइप करना है। आपने जो अगर आप पहले से आपने इंटरनेट बैंकिंग बना करके रखा है तो यहाँ पर आपको यूजर नेम और उसका पासवर्ड डालना है और इसके बाद सिंपली आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग बना करके नहीं रखा है तो आपको यहाँ पर जो है दूसरा प्रोसेस यहाँ पर शो करेगा, जहाँ पर गाइस आपको जो है ATM कार्ड चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, इसके अलावा बैंक अकाउंट का आपको जो है ऑप्शन चूज करेगा। तो वहाँ पर गाइस आप ATM कार्ड ऑप्शन चूज करके वहाँ पर अपनी ATM कार्ड की डिटेल फिल करने के बाद आप जो है नेक्स्ट प्रोसेस पर आप जो है आ सकते हो। तो फिलहाल मैंने जो है ऑलरेडी इंटरनेट बैंकिंग जो है क्रिएट करके रखा तो इसलिए यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये फैच हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद सिंपली आपको जो है सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपके नंबर पर OTP आएगा और यहाँ पर आपको OTP डालने के बाद सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है और इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जो है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आपको टिक ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना MPIN सेट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो गाइस जब भी आप योनो SBI को आप जो है लॉगिन करोगे तो बार बार आपको जो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर सिर्फ आपको जो अपना MPIN सेट कर लेना है। यहां पर गाइस आपको जो है 6 डिजिट का आपको अपना MPIN सेट करना है, इसके बाद फिर से गाइस आपको जो है री एंटर न्यू MPIN, यहाँ पर फिर से आपको जो अपना 6 डिजिट का MPIN डालना है, इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का आपको अपना कोई भी MPIN सेट करना और यहाँ पर कुछ पॉलिसीज वगैरह पढ़ सकते हो, जहाँ पर गाइस आपको लगातार जो नंबर जो रहते हैं लगातार 3 नंबर आपके जो है सेम नहीं होने चाहिए, इसके अलावा यहाँ पर आपके 3 जो है नंबर यूनिक होने चाहिए आपके MPIN नंबर, इसके अलावा यहाँ पर जो बर्थ डेट रहती है वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप सेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गाइस आपको जो अपना यूनिक MPIN नंबर यहाँ पर आपको 6 डिजिट का आपको जो है सेट करना है और इसके अलावा जो क्रम वाले नंबर रहते हैं वो भी यहाँ पर आपको सेट नहीं करने। तो इस तरीके से यूनिक आपको 6 डिजिट का आपको नंबर सेट करने के बाद यहाँ पर आपको री एंटर न्यू MPIN, तो यहाँ पर फिर से गाइस आपको वही MPIN यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो अपना MPIN डालने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपका जो है MPIN सक्सेसफुली यहाँ पर सेट हो जाएगा, इसके बाद सिंपली आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से योनो SBI आपका जो है ओपन हो जाएगा,
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है योनो SBI पर आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। यहाँ पर नीचे की ओर नेक्स्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से नेक्स्ट सारे फीचर्स यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से आपका योनो SBI एप्लीकेशन आपको जो है देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर गाइज आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज़ अगर आपने योनो SBI एप्लीकेशन पर अगर आपका ऑलरेडी इंटरनेट बैंकिंग का अकाउंट आपने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑनलाइन SBI की वेबसाइट पर आपने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, तो वहाँ पर सिर्फ आपको उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है और डायरेक्टली आपका जो इस तरीके से अकाउंट इस प्रोसेस से क्रिएट हो जाएगा। लेकिन गाइज़ अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग पहले से अकाउंट नहीं बना करके रखा है, इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर नहीं करके रखा है, तो वहाँ पर गाइज़ आपको ATM एंड गाइज़ आपको अकाउंट नंबर का ऑप्शन शो करता है। तो ATM वाले ऑप्शन को आप चूज़ करने के बाद डायरेक्टली आपको अपने ATM की डिटेल्स फिल करनी है। ATM का जो लास्ट 6 डिजिट का जो नंबर होता है वो डालने के बाद गाइज़ आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर SBI योनो पर हो जाएगा। तो अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग का ऑलरेडी अकाउंट बना करके रखा है, तो वहाँ पर सिर्फ आपको इंटरनेट बैंकिंग का आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना और इस तरीके से आपका योनो SBI पर जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप योनो SBI पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि योनो SBI को हम अपने मोबाइल में कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से जो है अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं, किसी को पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, किस तरीके से जो है योनो SBI के सर्विसेज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस टॉपिक पर गाइस इस चैनल पर बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा जब भी वीडियो बनाऊंगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है वीडियो का लिंक आपको ऐड कर लूंगा, जिससे कि दोस्तों बड़ी आसानी से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके योनो SBI ऐप को कैसे यूज़ करते हैं उसका जो है वीडियो आप देख पाओगे। तो इस तरीके से आप योनो SBI पर आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।